हमारे जहन में इस्लाम का तस्वुर मजहब का है, दीन का है ही नहीं। हम वही समझते हैं कि नमाज, एक तो यह कि हमारे अकायद ठीक हो, नमाज रोजा हज जकात का तकादा हो, और कुछ जो हमारे सोशल कस्टम्स हैं, ईदें मनाए, जुमा पढ़े, कुर्बानियां दिया करें ईद उल अज़हा में, बच्चे का अकीका करें, मुर्दे को दफनाएं कफनाएं, शादी हो तो इजाब व कबूल कराएं, फेरे नहीं डलवाएंगे। भाई ये हमारा दीन है, हमारा मजहब है, मजहब दीन नहीं है, ये दीन का तसव्वुर ही नहीं। हम इतने खूगर हो गए महकूमियत के कि दीन के इकामत का तसव्वुर, दीन को गालिब करने का तसव्वुर हमारे जहन से निकल गया, जहन में है ही नहीं। उलमा को भी अजनबी सी बात लगती है, ये क्या बात कह रहे हैं, ये तो अजनबी सी बात है। अंग्रेज ने कहा कानून हमारा होगा, क्रिमिनल लॉ हमारा होगा, सीआरपीसी हमारी होगी, सिविल लॉ हमारा होगा, निजाम हमारा होगा। हां, नमाज पढ़ सकते हो, रोजा रख सकते हो, हमें कोई तुमसे, तुम्हारे मजहब से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि अंग्रेज ने तो बड़ी रियायत की थी। उसने कहा था तुम अपने फैमिली लॉज भी अपनी मर्जी से जैसे चाहो तय करो। आज मुसलमान ममालिक में से भी अक्सर ने अपने फैमिली लॉज छोड़कर यूरोप के फैमिली लॉज इख्तियार कर लिए, और पहली मरतबा यह काम किया था अतातुर्क ने, और यूरोप के अखबारात ने फिर तंजिया लिखा था कि अजीब कौम कहती है कि बेहतरीन कानून हमारे पास है और हाल यह है कि फैमिली लॉज भी हमसे मांग रहे हैं, रोमन लॉज से अखज कर रहे हैं फैमिली लॉज अपने, ये इनका हाल है, कहते हैं बेहतरीन कानून हमारे पास। तो अंग्रेज के आने के बाद अब हमारा उलमा का काल अल्लाह काल रसूल या मदरसा चला ले। बहरहाल उन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं, अगर ये ना होता तो शायद हमारे यहां मसाजिदें आबाद ही ना होती। कम से कम उलमा ने वो पोजिशनें जो है वो पुर की हैं, एक एक ढांचा जो है वो बरकरार रखा है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी खिदमत है। लेकिन अंग्रेज ने तो जो भी था सिर्फ इतनी आजादी दी थी, इसी को हम ज़हनन रिकंसाइल कर चुके हैं, बस इस्लाम यही है नहीं। और आज मैं आपको बता दूं, अमेरिका और इंग्लैंड खास तौर पर और बकिया ईसाई मुमलकतें भी बिलउमूम इस्लाम के खिलाफ जो जंग जारी कर रहे हैं, और तेजी के साथ ये बढ़ेगी, उसका भी मामला ये है कि मजहब की हैसियत से इस्लाम के खिलाफ उनकी कोई जंग नहीं। जब बुश कहता है कि हम तो इस्लाम के खिलाफ नहीं, सही कहता है, सच कहता है, वो ये कह सकते हैं यू हैव कम हियर, यू हैव परचेस्ड चर्चेज एंड सिनेगॉग्स एंड कन्वर्टेड देम इनटू मॉस्क्स, डिड वी ऑब्जेक्ट, तुम यहां आए तुमने चर्च खरीद के मस्जिद बना ली, सिनेगॉग यहूदियों का खरीदा और मस्जिद बना ली, हमने कभी रोका तुम्हें? तुम नमाजें पढ़ते हो हमने रोका, रोजे रखते हो हमने रोका, बल्कि रमजान में व्हाइट हाउस में एक इफ्तारी भी दे देते हैं तुम्हें सेरिमोनियल। तुम्हारी ईद है, बकरा ईद है, हम कोमेमोरेटिव स्टैंप्स जारी कर देते हैं, ये ईद का जो है डाक का टिकट है और ये बकरा ईद का है, तो मजहब से तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इस्लाम का सियासी माशी और समाजी निजाम, नथिंग डूइंग, वी विल नॉट बेयर इट, निजाम हमारा होगा। और समझ लीजिए ये तारीख ने पूरा सर्कल, एक घेरा पूरा कर लिया है। वो जो मौलाना हाली ने कहा था, ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दी जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। किस शान से निकला था इस्लाम, और आज बिल्कुल रिवर्स हो गया मामला। इस्लाम ने ये कहा था इस्लाम ले आओ हमारे बराबर के भाई हो जाओगे, हम ये भी नहीं कहेंगे हम पुराने मुसलमान हैं, सीनियर मुसलमान हैं, हमारे हुकूक ज्यादा हैं, तुम न्यू कमर्स हो, नॉन मुस्लिम हो, तुम्हारे हुकूक नहीं, बिल्कुल बराबर। ये नहीं तो इस्लाम की बालादस्ती कबूल करो
छोटे होकर रहो, हाथ से जिजिया पेश करो, यो तुल जिजिया का यदिम वहुम सागिरून, फिर तुम यहूदी रहो मजहब के तौर पर, निजाम हमारा होगा दीन हक का, वो गालिब हमने करना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजे गए दीन को गालिब करने के लिए। हमारे अंदर ताकत ना हो तो क्या करें, मजबूर हैं, लेकिन ताकत हो और फिर दीन को गालिब ना करें तो हम तो गद्दार हैं अल्लाह के। लिहाजा क्या कहते थे, ईमान ले आओ बराबर के हो जाओगे, नहीं तो रहो तुम ईसाई रहो यहूदी रहो मजूसी रहो, अभी शुरू में इन तीन से ही मामला था ना। लेकिन इस्लाम की बालादस्ती, निजाम हमारा होगा, बाकी तुम नीचे रहो, और अगर यह भी मंजूर नहीं तो आओ तलवार हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। यही बात थी कि नहीं? आज वही बुश कह रहा है निजाम हमारा होगा, उस निजाम के नीचे तुम रहो, मुसलमान रहो हिंदू रहो ईसाई रहो कुछ रहो। ये बिल्कुल बरक्स कैफियत हो गई उसकी। तो आज का मुसलमान जो है इन चीजों से इसलिए ज़हनन गाफिल है कि हुजूर की इतनी ताकीदी हदीस, इन्नी आमरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमात वस्समे वत्तात वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कभी मिंबर से न सुनाई गई न कभी सुनी गई, इसलिए कि यह उस अमल का नाम है जो दीन को कायम करने के लिए होता है।